हे दिस इज श्रुति खंडलव वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो में हम ईवीएस के क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके और ईवीएस के थर्टी क्वेश्चंस रहेंगे इसमें आपका पैटेगॉजी और आपके क्वेश्चंस टेक्स्ट बेस दोनों रहने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर है ये तो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा तो स्टार्ट करता है बिना टाइम वेस्ट करे सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना सो राधा टीचर ऑब्जर्व दैट राधा इज फाइंडिंग डिफिकल्टी इन रीडिंग ब्लैक बोर्ड डॉक्टर सजेस्ट दैट राधा नीड्स टू इंक्रीज द फूड रिच एंड विच दिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिय अब राधा जो है उसको डिफ डिफ़िकल्टी राधा के टीचर ने देखा कि राधा को डिफ़िकल्टी हो रही है ब्लैक बोर्ड देखने में ठीक है ब्लैक बोर्ड उसको दूर से दिख नहीं रहा है तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि राधा की फूड में क्या इंक्रीज करो आप विटामिन ए क्योंकि विटामिन ए से क्या होगा उसको जो देखने की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी हमारे आइज के लिए हेल्पफुल होता है विटामिन ए तो लाइक like, जिनके चश्मे लगे होते हैं इंक्लूडिंग uh, नहीं उनको विटामिन ए ज्यादा लेने की फ्रूट्स रिच इन विटामिन ए लेने का सजेशन दिया जाता है ठीक है सो so, विटामिन ए इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज फेमस फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हंगुल डियर तो आपको यहाँ पे इसमें बताना है कि हंगुल डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक हंगुल डियर की कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए फेमस है वो कौन सी है सो योर करेक्ट आंसर है इज दाचीगाम ठीक है ये आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इस चीज़ के लिए फेमस है दिस इज योर लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा जाएगा इसलिए इसको नोट करके रख लो ठीक है एंड uh, आगे बढ़ते हैं अब हम ओजोन लेयर प्रोटेक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल इनिशिएटिव अंडरटेक इन ऑल ओवर द वर्ल्ड सिलेक्ट द रीजन दैट लेट टू प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर सो ओजोन लेयर प्रोटेक्शन जो है आपको भी पता है कि हम ओजोन लेयर प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं एन्वायरमेंटल इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड तो रीज़न क्या है भाई हमारा प्रोटेक्ट कर सिलेक्ट द रीज़न दैट लेट टू द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर ठीक है है तो आपको वो बताना है कि इनमें से कौन सा वाला उससे एसोसिएटेड है ओजोन प्रोटेक्शन से तो आप सब जानते हो कि हमारा ओजोन प्रोटेक्शन जो आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है ये हमारा आ, आ, मैं आपको हिंट देती हूं या तो सेकंड ऑप्शन सही आंसर है या इसका थर्ड ऑप्शन आंसर है नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क आप मुझे बताओगे कि इन दोनों में से कौन सा है जो आपका ओजोन प्रोटोकॉल uh, में आ रहा है ठीक है ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है बिकॉज दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए ठीक है हिंट मैंने दे दी इन दोनों में से कोई एक है आप कमेंट में आप आंसर करो जो सबसे पहले आंसर सही करेगा उसका आंसर पेन होगा ठीक है सो आगे बढ़ते हैं हम लोग द बर्ड दैट वॉज कॉमन साइट इन डेली बट नाउ अ स्पेशल डे इज ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट द बर्ड एज इट हैज बिकम रेयर ड्यू टू द अर्बनाइजेशन ये कौन सी बर्ड है एक बर्ड जो दिल्ली में बहुत कॉमनली हम देख पाते थे आजकल वो दिख ही नहीं पा रही है और उसकी इसकी जो अवेयरनेस को रेस करने के लिए एक स्पेशल डे भी बनाया गया है तो आप सभी जानते हैं ये हमारी है स्पैरो दिल्ली वालों को दिखती है आजकल स्पैरो क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रही मैं तो दिल्ली में ही हूँ ठीक है सो so, यहाँ पे स्पैरो जो है जिसको गौरैया भी कहते हैं हम चिड़िया कहते हैं ठीक है वो गायब हो चुकी है सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसिस यू कैन सी बोर्ड्स बींग यूज एज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप कौन सी प्लेसेज में देखोगे कि बोट्स को यूज़ किया जा रहा है मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट के लिए तो ऑफकोर्स यहाँ पे हम देखेंगे इस जगह में कश्मीर में और केरला में यहाँ पे uh, आपका जो है वो बोट्स को यूज़ किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ठीक है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपकी आपको वो मिल जाएंगी लेक्स हैं सेकेंड ऑप्शन इज ऑर करेक्ट आंसर कुछ क्वेश्चंस आपको ना एग्जाम में आपसे एकदम डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे तो आपको दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है उन क्वेश्चंस को डायरेक्टली आंसर करना है फॉलोइंग इज नॉट इन इनसेक्टिव प्लांट इनमें से कौन सा इसे्टिवरस प्लांट आपका नहीं है नहीं है आपसे देखो ये पूछा गया इस क्वेश्चन में तो आपका देखो आ, ये है 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 जो नहीं है वो है आपका ये अग्यारहतम ठीक है तो आपका ये थर्ड ऑप्शन इज अ राइट आंसर जो इंसेक्टिवरस प्लांट नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं यस um, रानी yes. finds अ पीस ऑफ फ्लोर दैट इज आपको देखना है कि रानी को एक मिला है कपड़ा जो बहुत स्ट्रांग है ब्राइट कलर का है ज़्यादा पोर्स नहीं है उसमें स्मेल करता है बर्निंग के टाइम पर और हर जगह अवेलेबल है हम उसको हाई टेम्परेचर में भी बहुत गर्मी में भी पहन सकते हैं ठीक है तो आपको बताना है ये कौन सा फैब्रिक है ठीक है नॉ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा फैब्रिक है जो जलने जो जब जलेगा तब वो स्मेल करेगा और बहुत ब्राइट और स्ट्रांग होता है ठीक है तो ये आपका होता है पॉलीएस्टर ये सारी जो आपको बताए हैं जिसमें ज्यादा पोर्स नहीं होते ये आपका होता है पॉलीएस्टर ठीक है इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखना कि पॉलीएस्टर की ये क्वालिटीज है नेक्स्ट आता है हमारा इफ़ टू ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज कम टूगेदर इन एसोसिएशन एंड वन हार्म वन इज हार्म अदर इज बेनिफिटेड सच सच एसोसिएशन अब देखो दो ऑर्गेनिज्म में आ रहे हैं काम करने के लिए ले, लेकिन एक को फायदा हो रहा है एक को नुकसान हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं देखो सिम्बाइसिस म्यूचुअलिज्म कमेंसलिज्म ये सब क्या क्या है इन सब में जो है आपका यहाँ पे म्यूचुअलिज्म uh, सिम्बाइसिस में ये दोनों का फायदा होगा लेकिन पैरासिटिज्म में एक का फायदा एक का नुकसान होगा ठीक है तो पैरासिटिज्म के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं आप मुझे कमेंट करके बताओगे आपको कौन सा एग्जांपल पता है फिलहाल इसका आंसर जो है आपका पैरासिटिज्म है पैरासाइट जो होते हैं आपका बॉडी पे जो कीड़े मकोड़े चलते हैं जानवरों के वो भी पैरासाइट्स ही होते हैं तो विच ऑफ तो द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है वेरी सिंपल क्वेश्चन तो आपको पता है ग्रीन हाउस गैस हमारी सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है विथे एन सी ओ टू कार्बन मोनऑक्साइड सारी की सारी हमारी क्या है आपकी ग्रीन हाउस गैस है ठीक है क्योंकि ये टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर रही है अर्थ का तो सल्फर डाइऑक्साइड ऐसा कुछ नहीं कर रही है तो ऐसे ड्रेन के टाइम पे होता है इसका तो ये आपका ऐसे ब्रेन से एसोसिएटेड है इससे नहीं है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज फॉर मेकिंग कंटेनर्स एंड इन मेकिंग हाउसेस तो इनमें से कौन सा प्लांट जो है आपका कंटेनर्स यूज करने में और हाउस बनाने में यूज होता है तो प्लांट्स पूछा है आपका कंटेनर्स कंटेनर्स में भी पूछा है ठीक है तो आपको भी पता है ये तो हमारा बैम्बू है घर बनाने में और कंटेनर बनाने में हमारा ये यूज होता है ठीक है कहा होते हैं बैम्बू स्टिक पे घर कहाँ बने होते हैं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आसाम में ओके नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड हैबिट विल हेल्प टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट इनमें से कौन सी फूड हैबिट जो होगी वो कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगी ठीक है अगर हम मीट और फिश खाएंगे या फिर हम फूड लाइक कैन बीज खाएंगे या फिर डेयरी प्रोडक्ट करेंगे या फिर लोकल ग्राउंड फूड करेंगे तो बिल्कुल अगर हम लोकल ग्राउंड फूड खाएंगे जो हमारे घर के आसपास चीजें मिल जाती है हमें लोकली हम बजा मतलब जो भी आसपास आपके उग रहा है ज्यादा आप उसे इम्पोर्ट वगैरह ना करवा रहे हो तो जो लोकल चीजें अवेलेबल है उसको खाने से हम उसको कर सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट को कम ठीक है यहाँ पे भी आपका ये ऑप्शन सही हो जाता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स आपको बताना है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है नाउ अगेन अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है है आपका वो किन स्टेट से पास जाता तो देखो ये आपका स्टेट्स की लिस्ट है गुजरात से जाएगा राजस्थान से जाएगा आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा एंड मिजोरम और इसके लिए आपको आपका मैप भी पता होना चाहिए मैप को पढ़ के रखो मैप से क्वेश्चंस आते हैं एक दो हमेशा ठीक है तो सेकंड ऑप्शन इज योर राइट आंसर इसको नोट कर लो लिख लो कहीं पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होकर के जाती है ठीक है ये आपका है ठीक है स्क्रीन लेना है स्क्रीन ले लो और पॉज करके पीछे थोड़ा बैक करके आगे करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो ठीक है क्योंकि मैं तो अपनी स्पीड से चलूंगी आप तो आगे पीछे कर सकते हो तो इस वीडियो को इन एन अर्बन सेटिंग अ वेजिटेबल वेंडर कैन नॉट रिटेन द प्रोड्यू

या फिर अन अनवेयर है वो मार्केट रूल्स के हिसाब से वो तो उसने ये इसलिए किया कि उसका जो आइटम वो है डिस्ट्रेस सेल की वजह से कि उसके जो आइटम्स है वो खराब हो सकते हैं तो अगर खराब हो जाएंगे आइटम्स तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा तो उसको लगा कि जितना पैसा मिल रहा है उस पर भी बेच करके इन्हें करते हैं इनका काम करते हैं। ठीक है तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाता है और विच um, इंटरेस्टिंग बड़ा, बड़ा था क्वेश्चन है पहली बार देखा होगा आपने से कौन सी के बीक में होता, है। तो बिल्कुल आपके में होता है नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फ्लैमेंगोज होती हैं आपकी जिनके में आपका ये छानने वाला सिस्टम होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं आइडेंटिफाई द पेयर विच आर एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्ट लावा आपको बताना है कि वो पेयर जो एग्जाम्पल है आपका इंसेक्ट लावा का ठीक है तो आपका यहाँ पे आपके जो एग्जाम्पल में है कैटरपिलर है आपका और मैगॉट्स है ठीक है इंसेक्ट लावा के जो आपके पेयर है यहाँ पे भी आपके ऑप्शन में फोर्थ सही हो जाते हैं आई होप आपको अब तक सेशन अच्छा लग रहा होगा अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने में दे रही किस बात की लाइक अगर आप इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हो तो मेरे को समझ भी नहीं आता है कि इतने लाइक्स क्यों नहीं होते हैं बिकॉज दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको सब कुछ पढ़ा रही हूँ सब कुछ करवा रही हूँ तो लाइक तो बनता है यार और लाइक करने में कुछ जा तो रहा नहीं है आप लोगों का तो लाइक करो इससे सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि चलो आपको समझ में आ रहा है सब सो द नेचर ऑफ ई वी एस इज सेवेंटी फाइव क्वेश्चन है आपका फोर्थ ऑप्शन हाँ सो so, यहाँ पे द नेचर ऑफ ईवीएस जो है यहाँ पे ये uh, क्या है इंटीग्रेटेड है डिसिप्लिनरी है इंटर रिलेटेड है या स्टैटिक है नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग वन तो जो नेचर ऑफ ईवीएस है ना वो इंटीग्रेटेड है ठीक है यहाँ पे हम बच्चों को साथ में पढ़ा रहे हैं सब चीजें ठीक है आपको पता है ईवीएस इंटीग्रेटेड है हमने कंबाइन कर रखा है हर चीज को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईवीएस करिकुलम इज बेस्ड ऑन थीम्स ईवीएस करिकुलम को हमने थीम्स पे बनाया है क्यों uh, क्योंकि थीम्स uh, uh, जो होती है अलाउ करती है कनेक्ट कनेक्ट uh, और इंटर रिलेटेड स्टडीज में ठीक है अंडरस्टैंडिंग हो सके बच्चा अब इंटर रिलेटेड आ गया ना तो इसका मतलब नेचर तो इंटर रिलेटेड ही है इंटरकनेक्टेड ही है, है ना तो यहाँ पर आपका ये हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ठीक है ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं हर पेपर में आपको दिख जाएंगे अब ईवीएस कि किया है हम ऐसा करवा रहे हैं तो बिल्कुल एनसीए टू थाउजेंड फाइव ने रिकमेंड किया है हमें ये की हम थर्ड टू फिफ्थ क्लास में हम सब्जेक्ट लेकर के आए जिसमें इंटीग्रेटेड साइंस सोशल साइंस और एनवायरमेंटल साइंस एनवायरमेंटल एजुकेशन होता है आपका ठीक है तो यहाँ पे एनसीएफ

जेंडर ऑफ द स्टूडेंट्स जो एड्रेस करना होता है उसको डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को अलग अलग जगह से जो लोग आ रहे हैं अलग अलग तरीके के लोग हैं तो वो सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है उसके लिए ठीक है बाकी सब तो कोई चैलेंज नहीं है बाकी सब तो पार्ट है एक बट ये एक चैलेंज है जिसको उसको अच्छे से ओवरकम करना होता है ना विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लर्निंग इज अप्रोप्रिएट इन ईवीएस ईवीएस क्लास में कौन सी टाइप की लर्निंग अप्रोप्रिएट है लर्निंग बाई डूइंग आपका ए और डी सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि लर्निंग बाई डूइंग भी चाहिए और डिस्करेज भी करना है हमें रोड लर्निंग को तो ए एंड डी इज योर राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ठीक है यहाँ पे थिंग्स वी मेक एंड डू में इन ईवीएस करिकुलम जो थिंग्स वी मेक एंड डू है वो एक ईवीएस करिकुलम में वो थीम है या सब थीम है ना वेरी 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 इजी क्वेश्चन जो थीम वी ऑल नो आपकी थीम्स में क्या क्या पाँच चीजें आती हैं ये भी कॉमेंट करके आप मुझे बताओ अगर आपको याद है अभी तो ठीक है ये आपका थीम ही है और क्या आता है आपका फूड थीम है वॉटर थीम है और क्या क्या है जल्दी कॉमेंट करके बताओ विच आर स्ट्रैटेजीज फॉर और क्या कर सकते हैं हम बच्चों को हम बच्चों को ये चीज करवाने के लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट तो करवाएंगे नहीं एक्सपेरिमेंट <laughs> करवाए भाई बच्चों गन्द लेकर आओ चलो मारते हैं एनिमल को ये तो नहीं करवाएंगे ना हम कॉमिक स्ट्रिप्स करवा सकते हैं पोम से करवा सकते हैं बच्चों को इन सब चीजों से तो ये तीनों चीजें आपको हेल्प करेगी ए सी डी योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू यहां पर भी आपका ऑप्शन नंबर टू सही हो जाता है ऐसे ही ठीक है आगे बढ़ते हैं यस द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग एक्टिविटीज इन ईवीएस क्लास टू जो ऑब्जेक्टिव होता है आपका ईवीएस uh, की क्लासेस में एक्टिविटीज कंडक्ट करवाने का वो क्या होता है बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना एक्सप्लोर और ऑब्जर्व करने की या फिर उनके साइकोमोटर स्किल्स को डेवलप करना है या फिर एस्थेटिक सेंसिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डेवलप करना है हमें या फिर हेल्प को स्टूडेंट्स को हेल्प करना है मेमोराइज करने के लिए कंटेंट तो बिल्कुल हमें मेमोराइज तो करवाना नहीं है बच्चों को मेमोराइज मतलब की uh, मतलब बच्चे वो कर लें एकदम उनकी दिमाग में भर जाए मतलब वो नहीं करवाना मैं तो डी को छोड़ के सारे ऑप्शन सही है तो ए बी सी इज योर राइट आंसर ठीक है बच्चों को समझ आ जाएगा तो बच्चों को याद रहेगा तो हमारा फोकस मेमोराइज करवाने में नहीं होता मेमोराइज इज ऑन अ राइट वर्ड मेमोराइज मतलब होता है कि आप उसको रट्टा मरवा रहे हो सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ देयर ईवीएस लर्निंग बिकॉज स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होते हैं ईवीएस लर्निंग के क्योंकि वो हेल्प करते हैं बच्चों की नॉलेज uh, को असेस करने में वो है क्वेश्चन एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को कि वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को उनकी क्यूरसिटी जो अंदर की होती है वो इंडिकेट करते हैं और इवेलुएट साइकोमोटर स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स ठीक है तो देखो सब चीजें यहाँ पे आपकी सही लिखी हुई है लेकिन आपका जो ऑप्शन डी है वो नहीं है देखो साइकोमोटर स्किल्स कैसे पता लगेंगे बच्चे के क्वेश्चन पूछने में तो योर ए बी सी ऑप्शन इज राइट ठीक है डी का कोई यूज नहीं है क्योंकि बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है इससे साइकोमोटर स्किल्स का कोई लेना देना नहीं है वो सिर्फ बोलेगा थर्ड ऑप्शन इज राइट नेक्स्ट इज अटूडेंट ऑफ ईवीएस बाई हिसिस अब एक बच्चे ने ईवीएस की प्रॉब्लम को एनालाइज किया जो उसकी टीचर ने दी थी अब एनालिसिस क्या है आपका प्रोसेस स्किल है कॉग्निटिव स्किल है प्रोडक्ट स्किल है और साइकोलॉजिकल स्किल है अब एक से ज्यादा ऑप्शन भी आपके यहाँ पे सही हो सकते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के आंसर करना है ठीक है तो बिल्कुल आपका ये प्रोसेस तो है ही है ठीक है कोई दो रहा ही नहीं है साथ साथ आपकी एकटिव प्रोसेस भी है ठीक है है तो आपका ये ए और बी सही ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे यहाँ पे भी आपका ए और बी सही आंसर हो जाता है ठीक है अगर आप ऑप्शन इनको स्क्रीनशॉट ले रहे हैं स्क्रीनशॉट लीजिए नहीं तो लिखना लिख लीजिए अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं तो

यहाँ पे 86 में आपके फर्स्ट ऑप्शन में बी और डी दे रखा है ठीक है बट हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है आंसर की के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ वो आपका थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी ठीक है ए एंड बी ओनली दे रखा है अकॉर्डिंग टू योर आंसर की ठीक है तो उनके अपने रीजन हो सकते हैं देने के न्यूज और आपका मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी ये दोनों ठीक है तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो अकॉर्डिंग टू योर आंसर की इज राइट ठीक है तो न्यूज़पेपर और मेंबर ऑफ कॉम्युनिटी से बच्चे उनके हिसाब से ईवीएस को अच्छे समझ सकते हैं न्यूज़पेपर से वो आ, आ मतलब जानकारी दुनिया में क्या चल रहा है ये सब जान सकते हैं ठीक है तो ये आपका हो जाता है थर्ड ऑप्शन राइट आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इशू विल बी डिस्कस्ड इन ई क्लास ई क्लास में कौन कौन से इशूज आपके डेवलप डिस्कस करे जाएंगे तो हम बिल्कुल पेट्रोल प्राइस डिस्कस कर सकते हैं बच्चों को प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स के बारे में बता सकते हैं वाटर क्राइसिस बता सकते हैं कंसनट्रेशन ऑफ सी उड्स कार्बन डाईऑक्साइड इन जर्मोनेशन सीड्स हम नहीं बता सकते इतना बच्चा प्रोसेस ही नहीं करेगा उस लेवल पर ए वी सी आपका ऑप्शन सही हो जाता है ठीक है यहाँ पर भी आपका ए बी सी सही हो जाता है बस अब आपका ये सेशन फिनिश होने वाला है ये वाला आ, ये वीडियो का दो तीन क्वेश्चन बचे हैं तो तब तक आपको अगर ये सब अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है मजे आ रहे हैं पढ़ने में तो बस आपको मेरे साथ टेलीग्राम से जुड़ जाना है क्योंकि पे मैं डेली लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको देती रहती हूँ स्टडी मटेरियल के साथ भी आपको हेल्प करती रहूंगी तो बिल्कुल आप मेरे मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही लो रोज वीडियो आती है रोज आपको तीन से चार वीडियो मिली जाएंगी इस चैनल पर तो आप बिल्कुल इसके साथ जुड़ जाओ आपको ये चैनल एंड तक आपके सीटर के एग्जाम तक हेल्प करने वाला है उसके बाद भी ठीक है सो करते हैं तो इंडिकेटर बताना है आपको तो यहाँ पर आपका जो है सोशल uh, स्किल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शेयरिंग एंड वर्किंग टुगेदर साथ में आप काम कर रहे हो अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हो सामान शेयर कर रहे हो तो वो आपका सोशल स्किल्स में आनंद होता है ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैटेगराइजिंग द एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर कलर्स अबव द लाइन इंडिकेट्स आपकी आपको बोला है कि उनके कलर्स के बेसिस पे एनिमल्स को कैटेगराइज करो तो ये आपका क्या है ये अबव लाइन इंडिकेट्स योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव ठीक है कि कैटेगराइजिंग द एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर कलर्स की हम आज क्या करेंगे कैटेगराइज तो करने वाले हैं एनिमल्स को कलर के बेसिस पे तो आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ठीक है now this, this one is last question now students of evs assessed by a teacher through observation by asking them questions their involvement is in drawing pictures and particip participation in discussion followed by unit test shows that ई वी एस के स्टूडेंट ईवीएस की स्टूडेंट्स uh, जो हैं टीचर्स ने असेस किए हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू उनसे क्वेश्चन पूछ के और उनको पिक्चर्स ड्रा करवा के और पार्टिसिपेशन डिस्कशन में करवा के और फिर उसके बाद यूनिट टेस्ट लिए तो ये क्या है आपका आपको बताना है इसमें से टीचर कौन सा टूल यूज कर रही है ठीक है टीचर इज यूजिंग ऑब्जर्वेशन टूल सबमेटिव फीयर असेसमेंट इज स्कूल बेस्ड असेसमेंट तो वो सारे यूज कर रही है स्कूल बेस्ड असेसमेंट सब आ जाता है आपका ठीक है क्योंकि उसने नंबर ऑफ वो यूज कर रहे हैं असेसमेंट्स तो आपका सारा आ जाएगा इसमें इधर ठीक है तो इसी के साथ आपका ये सेशन ओवर हो जाता है अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब देखो कर देना क्योंकि अगर आपको लग रहा है आप किसी से कुछ लेके जा रहे हो तो उसको इन रिटर्न कुछ दे के जाओ ठीक है बिकॉज लाइक ये मेरी uh, मेरी खुद की भी यही है कि लाइक uh, like, किसी से कुछ भी फ्री में नहीं लेना चाहिए तो आपको इन रिटर्न कुछ देना चाहिए तो इन रिटर्न यहाँ पे पैसा बिल्कुल मत देना यहाँ पे आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे लिए उतना इनफ है ठीक है अगली so, वीडियो के साथ टिल देन गुड बाय